भारत वंश लियो वराडकर बने आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा साथ मिलकर नई ऊंचाई को करेंगे हासिल। ईरान में ऑस्कर विनिंग फिल्म एक्ट्रेस गिरफ्तार, बिना हिजाब पहने फोटो की थी पोस्ट, लिखा था जिंदगी और आजादी। पाकिस्तान की भारत को परमाणु हमले की धमकी, महिला मित्री बनी, हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाए। पीएम मोदी का आज त्रिपुरा मेघालय दौरा, एनईसी के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल, 6800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। हरियाणा में नेशनल हाईवे पर भिड़ी 30 गाड़ियां, धुंध के कारण 3 जगह हादसे, ट्रक कार और बसें टकराई, 12 लोगों घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाएं, देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश यूपी। मुख्यमंत्री योगी से मिले मुख्तार अब्बास नकवी, सीएम योगी से विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा, कहा यूपी में विकास विश्वास का मजबूत माहौल। इटा में ऑटो में लगी भीषण आग, ऑटो की गैस किट साफ करते समय लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। अमरोहा में छाई कोहरे की चादर, अमरोहा में शीतलहर की दस्तक, अलाव का सहारा ले रहे लोग। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का किया विरोध, बिलावल भुट्टो का भूखा पुतला, पाकिस्तान को दी चेतावनी। चमोली के निजमुला ईरानी पाड़ा मार्ग पर ग्रामीणों के प्रदर्शन, पुल और सड़क निर्माण की कर रही है मांग। महोबा में पत्थर की चपेट में जाने से मजदूर घायल, खनन के दौरान पहाड़ पर हुई विस्फोट से गिरे घायल। वध चौराहे जीआई रविंदर शर्मा की ऐतिहासिक विदाई, लोगों ने उनका कार्यकाल को किया याद, सिटी कोतवाली मिली कमान। एबीवीपी से अध्यक्ष पद की दावेदार छात्र नेता को दी गई भद्दी गालियां, रश्मि लमगड़िया को एबीवीपी के अन्य कार्यकर्ताओं ने इंस्टाग्राम पर दी भद्दी गालियां। हरिद्वार में हाईवे पर चलती स्कूटी में लगी भीषण आग, स्कूटी पर सवार युवक ने कूद कर बचाई जान, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बाहर हाईवे की घटना। जनपद गोंडा में भूमि धोखाधड़ी प्रकरण में 3 अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिस टीम को दिया इनाम, फर्जी जमीन घोटाले के 33 अभियान योग कपूर में हुए थे पंजीकृत। अल्दवानी के बन भूलपुरा थाना क्षेत्र में गोदाम में लगी भीषण आग, इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। नोएडा एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, बुलंदशहर से दिल्ली जा रही कार पलटी, क्रैश बीम बैरियर से टकराकर पलटी कार। हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात, किसानों की फसलों को हुआ भारी नुकसान, कालाडूंगी विधानसभा के ग्राम पंचायत विद्रामपुर चकलुबा का मामला। झोपड़ी में सो रहे वृद्ध की गला काटकर हत्या, घात लगाकर अज्ञात आरोपी ने दिया घटना को अंजाम, चित्रकूट में मजकुबा थाना क्षेत्र के पिंडरा का मामला। चमोली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने निकाली हुकार रैली, गढ़प्रयाग में हजारों की संख्या में पहुंचे कर्मचारी। गोंडा में जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट में दर्जनों लोग हुए घायल, कोतवाली का नरगंज के कंचमऊ गांव का मामला। पीएम मोदी की चिंता का रूस पर असर, सीआईए चीफ बोले हमें नहीं लगता पुतिन अब जंग में न्यूक्लियर वेपन्स करेंगे इस्तेमाल। 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे शाह, सीएम हेमंता ने अमित शाह का किया स्वागत, आज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में लिया हिस्सा। फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच आज, अर्जेंटीना फ्रांस के बीच होगा मैच, मेसी एम्बाप्पे के बीच हेटिंग मुकाबला।